पीएनबी में हुए 11,400 करोड़ के घोटाले में सीबीआई ने तेज बैंक का ब्रैंडी हाउस ब्रांच सील। जांच पूरी होने तक ब्रांच में नहीं होगा कोई कामकाज, पीएनबी कर्मचारियों के एंट्री पर लगी रोक। नीरव मोदी की कंपनी के सीएफओ विपुल अंबानी से आज भी पूछताछ, दो पीएनबी अधिकारियों से भी सवाल जवाब। नीरव और गीतांजलि से जुड़ी कंपनियों के निदेशकों को समन, संपत्ति जब्त करने की शुरू होगी प्रक्रिया। पीएनबी घोटाले में बैंक अफसरों को 840 करोड़ कमीशन देने का शक, घोटाले का पैसा देश से बाहर जाने की आशंका। नीरव मोदी के मामा और गीतांजलि जेम्स के मालिक मेहुल चौकसी पर नकली हीरे सप्लाई करने का आरोप, कर्मचारियों ने खोली पोल। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के दुबई में छिपे होने की खबर, गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने मांगी है इंटरपोल की मदद। पीएनबी घोटाले को लेकर आज भी देश के कई शहरों में ईडी का छापा, ठाणे में भी एक मॉल पर ईडी की रेड, औरंगाबाद में ज्वेलरी शोरूम पर छापा, कोलकाता में ईडी की टीम की छापेमारी, सॉल्ट लेक में नक्षत्र शोरूम पर पड़ी रेड। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर डीआर कार्तिकेयन ने कहा, सीबीआई केस को हल करने में सक्षम, नीरव मोदी को पकड़कर भारत लाया जा सकता है। पीएनबी घोटाले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर बोला मोदी पर हमला, कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा कहने वाले चौकीदार कहां हैं। राहुल ने ट्विटर पर लिखा, साहेब की खामोशी का राज जानने के लिए जनता बेकरार है। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर का बयान, सरकार ने घोटाले पर की कड़ी कार्रवाई, नीरव मोदी मामले में छापेमारी जारी। योग गुरु रामदेव ने कहा, नीरव मोदी को पापों को फेल करेगी सरकार, असली ठिकाने तक पहुंचाएगी सरकार। सात बैंकों को करीब 3,700 करोड़ का चूना लगाने वाले रोटोमैक के मालिक विक्रम कोठारी पर कसा शिकंजा। विक्रम कोठारी को सीबीआई ने हिरासत में लिया, विक्रम कोठारी समेत कंपनी के तीन डायरेक्टर से हो रही है पूछताछ। कानपुर में कोठारी के तीन ठिकानों पर सीबीआई का छापा, दिल्ली में एक और रोटोमैक के डायरेक्टर का दफ्तर सील। सीबीआई के मुताबिक रोटोमैक कंपनी में गलत तरीके से हो रहा था कारोबार। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने फर्जी और गलत दस्तावेज इस्तेमाल कर बैंकों के लिए पैसे लिए। रोटोमैक पेन बनाने वाली कंपनी ने सात सरकारी बैंकों को लगाया करोड़ों का चूना, फर्जी तरीके से लोन लेकर नहीं चुकाया। बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला, ईडी ने भी दर्ज किया केस। सरकारी बैंकों ने अपनी शिकायत में कहा, रोटोमैक कंपनी ने ना तो मूलधन चुकाया न ब्याज। रोटोमैक कंपनी के मालिक पर गिरफ्तारी की लटकी तलवार, पहले देश छोड़कर भागने की थी खबर। अपने खिलाफ केस दर्ज होने के बाद विक्रम कोठारी का बयान, मैंने बैंकों से लोन लिया, एनसीएलटी में चल रहा है मामला। बीजेपी ने कर्नाटक में फूंका चुनावी बिगुल, प्रधानमंत्री मोदी ने मैसूर में की जनसभा। मोदी ने अपनी रैली में कांग्रेस सरकार पर बोला हमला, लोगों से कहा आपको कमीशन वाली सरकार चाहिए या मिशन वाली। कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री ने पैलेस हमसफर एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली के महामस्ताभिषेक में शामिल हुए मोदी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी कर्नाटक दौरे पर, 20 फरवरी से अलग अलग जिलों में करेंगे प्रचार। गुजरात में दूसरे टेस्ट में भी बीजेपी पास, 75 में 45 सीटों पर किया कब्जा, कांग्रेस को 14। मोदी के गृह जिले वडनगर में कांग्रेस का सफाया, 28 में से 27 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। तापी के सोनगढ़ नगर पालिका पर भी बीजेपी को मिली जीत, पाटन में भी पार्टी का बजट अंकन। नगर पालिका चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद जगह जगह जश्न, सुरेंद्रनगर में खुशी से झूमे कार्यकर्ता। नवसारी में भी बीजेपी समर्थकों ने मनाया जश्न, पार्टी को मिली जीत से कार्यकर्ता गदगद। यूपी और बिहार में लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किए उम्मीदवार, गोरखपुर सीट में उपेंद्र शुक्ला लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने फूलपुर से कौशलेंद्र सिंह पटेल को बनाया अपना उम्मीदवार। अररिया सीट पर प्रदीप सिंह लड़ेंगे चुनाव। बिहार के भभुआ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी उतारेगी उम्मीदवार, रिकी पांडे को टिकट। योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी गोरखपुर सीट, डेप्यूटी सीएम बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने फूलपुर खाली की। तीनों लोकसभा सीट पर 11 मार्च को होना है उपचुनाव, 14 मार्च को होगी वोटों की गिनती। गोरखपुर में बासगांव से बीजेपी सांसद कमलेश पासवान पर जमीन कब्जा करने का आरोप। झारखंड के रामगढ़ में आजसू की रैली में मंच पर बार बाला का डांस, सुदेश महतो समेत कई नेता मौजूद। गया में अपने समर्थकों के बीच गरजे बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, कहा जरूरत पड़ी तो तलवार उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे।
कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी ने शुरू की तैयारी, हुबली में कार्यकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया वर्कशॉप। फिरोजाबाद में आरएसएस का पथ संचालन कार्यक्रम, हजारों की संख्या में स्वयंसेवकों ने लिया हिस्सा। ताजमहल का दीदार करने के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का गुजरात दौरा, साबरमती आश्रम पहुंचे। पत्नी और बच्चों संग पूरी तरह भारतीय रंग में रंगे नजर आए ट्रूडो, परिवार संग चरखा चलाया। यूपी के महाराजगंज में शादी के बाद दुल्हन को हेलीकॉप्टर में लेकर अपने घर पहुंचा दूल्हा, ग्रामीणों का उमड़ा हुजूम। मध्य प्रदेश के छतरपुर में फल और सब्जी की दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 137 में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, कई घंटे बाद आग पर काबू। यूपी में पुलिस का एनकाउंटर जारी, हरदोई में मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार, 2 फरार। गाजियाबाद के मोदीनगर में गैंग वॉर, एक हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या। शाहजहांपुर में 12 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या, पुलिस जांच कर रही है। इलाहाबाद में प्रधान पति की हत्या में 2 सुपारी किलर गिरफ्तार, आरोपियों से हथियार बरामद। संभल में एक दरिंदे ने लड़की से रेप कर बनाया अश्लील वीडियो, पुलिस ने दर्ज किया मामला। बरेली में शादी के घर मातम, फोन पर बात करते हुए रेलवे ट्रैक पार कर रहे युवक की ट्रेन से कटकर मौत। नोएडा में तैनात सिविल इंजीनियर नरेश की शाम को होनी थी शादी, बारात की जगह निकली अर्थी। हरदोई में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई, अवैध घरों पर चला बुलडोजर। ग्रेटर नोएडा के दादरी में नशा करने से रोकने पर युवक की हत्या, बदमाशों ने मारी गोली। सिद्धार्थनगर में मनीष शुक्ला हत्याकांड को लेकर बवाल, 28 दिन बाद भी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने से गुस्से में परिजन। बाराबंकी में पुलिस के हत्थे चढ़े 6 शातिर चोर, कीमती गहनों के साथ लाखों का माल बरामद। बिहार के बेगूसराय में घर वालों से बगावत कर प्रेमी संग शादी रचाने वाली लड़की का खेत में मिला शव, एसपी से मिलकर लगाई थी सुरक्षा की गुहार। गया में एक स्कूल परिसर में 2 जिंदा बॉम्ब मिलने से हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। बेगूसराय में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, गोलू सिंह गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार। गया में पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के बाद 2 नक्सली गिरफ्तार। कटनी में बीच बाजार, सनकी आशिक ने लड़की पर चाकू से किया हमला। झाबुआ में महिला ने प्रेमी संग मिलकर पति को मौत के घाट उतारा, आरोपी महिला उसका प्रेमी गिरफ्तार। भिंडोरी में 44 जिंदा बॉम्ब के साथ 2 गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। राजगढ़ में रेत माफियाओं पर शिकंजा, 14 लोग गिरफ्तार, 2 जेसीबी समेत कई वाहन जब्त। बड़वानी दबंगों ने एक दुकान पर की अंधाधुंध फायरिंग, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। जयपुर में हिट एंड रन का मामला, बेकाबू कार ने बाइक सवार को कुचला, सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक हादसा। जयपुर में डाक विभाग भर्ती परीक्षा में नकल करते 90 से ज्यादा परीक्षार्थी गिरफ्तार, सभी हरियाणा के रहने वाले। धौलपुर में 20 साल की महिला को पड़ोस के युवक ने बनाया हवस का शिकार, आरोपी मौके से फरार। इंदौर में हाईवे पर ट्रकों में माल लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 1,10,00,000 का माल बरामद। यूपी के इटावा में पुलिस के हत्थे चढ़ा 50,000 का इनामी बदमाश सुंदरपाल यादव, 2 साथी गिरफ्तार। पुणे कोल्हापुर हाईवे पर ट्रक पलटने से 5 की मौत, 25 घायल। गुजरात के बनासकांठा में बेकाबू जीप ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 घायल। असम के जोरहाट में भीड़ ने आदमखोर बाघ को मौत के घाट उतारा, पुलिसकर्मी समेत 11 पर किया हमला। अलीगढ़ में हथियार के दम पर पंप कर्मचारियों से 2,00,000 की लूट, लुटेरों का नहीं मिला सुराग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में शिवजोत उत्सव में हुए शामिल, राज्यपाल राम नाईक मौजूद। झारखंड के जामताड़ा में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत पर अस्पताल में बवाल, परिजनों ने सिविल सर्जन की जमकर पिटाई की। पश्चिम बंगाल के बर्धवान में जान बताकर एक महिला की बेरहमी से पिटाई, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के रामपुर में चाइनीज मांझे ने ली बाइक सवार की जान, गर्दन कटने से मौत। इटावा में सौतेले पिता पर 8 साल की बच्ची से रेप का आरोप, पीड़ित मासूम अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़, 20 करोड़ के हेरोइन के साथ 3 गिरफ्तार। दिल्ली के प्रहलादपुर में बेकाबू ट्रक ने 3 राहगीरों को कुचला, 2 की मौके पर मौत। दिल्ली में पुलिस की आंखों में लाल मिर्च झोंककर अस्पताल से फरार हुआ कैदी, एलएनजेपी अस्पताल की घटना। दिल्ली में फिर दिखा रफ्तार का कहर, बीरागढ़ी के पास फ्लाईओवर पर रेलिंग से टकराई बेकाबू कार, 4 घायल। दिल्ली में पुलिस की गिरफ्त में आए 3 हथियार तस्कर, 21 पिस्टल बरामद।
दिल्ली के आजाद मार्केट में 26 साल की महिला ने घर में पंखे से लटक कर दी जान। ससुराल के लोगों पर बच्चा नहीं होने पर प्रताड़ित करने का आरोप। हरियाणा में एक बार फिर मासूम की से दरिंदगी। रोहतक में गली में खेल रही 3 साल की बच्ची को अगवा कर रहे। लुधियाना में भारी मात्रा में बीफ के साथ पकड़ी गई एक महिला, पुलिस कर रही है पूछताछ। फतेहाबाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर ठगी का सामने आया मामला, डीसी ने जारी की एडवाइजरी। यूपी के कौशाम्बी में फर्जी बाबा पर अश्लील वीडियो बनाकर लड़की से रेप का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। कांचीपुरम में निजी बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में 7 महिलाओं समेत 9 की मौत। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।